नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम कक्षा 10 की जो है गणित की प्रश्नावली एक जो अपनी है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो स्टार्ट करेंगे। पहले वास्तविक संख्या को जानने से पहले, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होती है। इसमें जो परिमेय संख्याएं आ जाती है प्लस में कौन सी संख्या आ जाती है, अपरिमेय संख्या आ जाती है। ठीक है, अब देखो परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिक्स रूप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। और इनको जो है कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आर बना के लिखते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। लगभग जो जितनी भी संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याओं के अलावा, वो चाहे बट्टे में हो, चाहे रूट में हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो सारी की सारी आती है वास्तविक संख्याओं में। अब बात हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की करें, परिमेय संख्या की बात करते हैं सबसे पहले। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, तो परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिनको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पर एक शर्त होती है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ये क्या हो गया, अंश बट्टा हर भिन्न रूप हो गया। ठीक है, और हर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। सिर्फ इतनी परिभाषा से काम नहीं चलने वाला, परिमेय संख्याओं की और बड़ी बात जो एक व्यापक परिभाषा है वो ये है कि अगर मान लो कोई संख्या है वो पॉइंट के बाद में रुक जाती है जाकर, ठीक है, मान लो यहाँ पर रुक गई, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि शांत दशमलव, शांत दशमलव। शांत दशमलव का क्या मतलब है यहाँ पर, शांत दशमलव का मतलब है जो दशमलव जाकर रुक जाता है। ये देखो शांत हो गया, एक पॉइंट दो तीन पांच, पांच पर जाकर रुक गया, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो शांत दशमलव वाली जो सभी संख्याएं होती है वो कौन सी संख्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं होती है। अब देखो क्या अशांत वाली अपरिमेय होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो एक ये 1.36 36 36 ऐसे करके ये चलता जा रहा है, ठीक है, तो क्या ये अपरिमेय है, बिल्कुल नहीं, ये भी परिमेय है। तो परिमेय संख्या एक तो क्या होगी, जो शांत है वो, दूसरी जो है अगर अशांत है, अशांत है लेकिन आवर्ती होती है, अशांत आवर्ती वाली संख्याएं भी कौन सी संख्याएं होती है, अशांत आवर्ती वाली भी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अशांत आवर्ती का क्या मतलब है कि अशांत है मतलब चलती जा रही है लेकिन वापस वही वो संख्या रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पर 3 6 3 6 3 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको अगर दूसरे रूप में लिखे तो 1.36 का बार इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि क्या दो संख्या है इसके बाद, ऐसे भी हो सकता है, देखो 3 3 3 ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके अलावा तीन तीन संख्याएं भी रिपीट हो सकती है, देखो 3 6 8 3 6 8 3 6 8 इस हिसाब से जो है, इसको अगर अलग रूप में लिखे तो 1.368 का बार, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो वो जिनको क्या है, एक तो वो जिनको क्या पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या फिर जो है शांत दशमलव वाली। ठीक है, शांत दशमलव का मतलब है एक निश्चित संख्या के बाद में जाकर दशमलव रुक जाता है, जैसे 1.235 है, ये 5 5 जो है 5 है, उसके बाद में क्या आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या होगी, शांत दशमलव। तो ऐसी संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसमें क्या होता है, अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती वाली जो है दशमलव वाली संख्या है वो भी क्या हो जाती है, परिमेय। अशांत आवर्ती का मतलब है ये अशांत है, देखो 1.36 36 36 ऐसे चलती जा रही है लेकिन बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, 3 6 की 3 6 बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जैसे 1.3333 ऐसे 3 3 3 3 चलता जाता है लेकिन ये क्या हो गई, आवर्ती हो गई, 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें 1.368 3 6 8 3 6 8, इसमें 3 6 8 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। अब बात अपरिमेय संख्याओं की करते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, तो अपरिमेय संख्या में एक तो क्या होनी चाहिए, अशांत होनी चाहिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं, अशांत जो आवर्ती वाली होती है, अशांत आवर्ती वाली संख्याएं वो क्या होती है, अनावर्ती, सॉरी अशांत अनावर्ती वाली, अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अशांत अनावर्ती का मतलब है 1.36 1.29 8 7 ऐसे ये चलती जाती आ गया, तो इसमें क्या हो रहा है, आवर्ती नहीं हो रही है, यानी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा बार बार, जैसे अगर ये इस हिसाब से होती है 1.36 1.23 6 1.23 6 1.23 6 1.2, तो ये क्या हो जाती है, फिर परिमेय संख्या हो जाती है। कारण क्या होता है परिमेय होने का,
इसमें परिमेय होने का कारण क्या हो जाता है, 3 6 1 2 जो है, 3 6 1 2, 3 6 1 2, मैंने कि 3 6 1 2 है, इसका क्या हो रहा है, लगातार आवृत्ति हो रही है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, परिमेय। एक रूट वाली जितनी भी संख्या है वो परिमेय होती है, अपरिमेय होती है, जैसे √3, √5 सभी नहीं होती है, √4 नहीं होती है, कारण कि 4 किसका जो है पूर्ण वर्ग है 2 का, 9 नहीं होती है रूट, क्योंकि ये क्या है 3 का पूर्ण वर्ग है, √16 भी क्या होती है परिमेय होती है, क्यों, क्योंकि ये 4 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन जो है आपके पूर्ण वर्ग है जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है, नहीं सॉरी 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, ये जो है इन रूट जो है ना पूर्ण वर्ग वाले रूटों को छोड़कर जितनी भी रूट में आ जाए ना कोई भी संख्या, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपरिमेय संख्या की बात करें तो पाई, पाई क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है आपकी अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान बताते हैं अपने को किताब में 22/7, वो क्या है परिमेय, ठीक है, 22/7 है वो परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, इसमें भी अंतर रखना, पाई का मान क्या होता है 22/7 बताते हैं अपने को, लेकिन वो मान क्या होता है एक निकटतम मान होता है, सन्निकटन मान होता है, असली मान होता है वो 3.14 ऐसे करके आगे चलता जाता है, ठीक है। तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई है वो क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को जानने के बाद आपको पता चल गया होगा जो वास्तविक संख्या क्या होगी, जिसमें परिमेय भी हो जिसमें अपरिमेय भी हो, ठीक है, इन दोनों का जो मिक्स रूप है वो कहलाता है आपका वास्तविक संख्या है। तो ये कक्षा 10 की आपकी जो है प्रश्नावली 1 है वो स्टार्ट करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।